टनल वॉरफेयर या फिर सुरंग युद्ध, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो समय के साथ साथ चली आ रही है। प्राचीन समय से लेकर मॉडर्न एरा में भी ये सबसे पावरफुल मिलिट्री को भी उलझन में डाल देती है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग है। इसराइल की वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में काफी बातें होती हैं, लेकिन इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बेहतरीन आर्मी के लिए भी हमास की टनल स्ट्रेटेजी एक बड़ी मुसीबत है। ऐसा क्यों है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने इजरायली हमलों से बचने के लिए पूरे गाजा शहर में सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या फिर अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। इजरायली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सरफेस से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं, लेकिन उनका यह अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई में 1500 से ज्यादा टनल शाफ्ट को खोज निकाला था। इनमें कोई दो राय नहीं है कि जंग में सुरंगों का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। बड़े बड़े युद्ध सुरंगों की मदद से जीते गए हैं, जिसमें वियतनाम वॉर भी शामिल है। यहाँ तक कि अमेरिका, इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया समेत कई देशों में सैन्य बंकरों सहित सुरंगें बनाने में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन गाजा की सुरंगों की बात इन सबसे अलग है। दरअसल ये सुरंगें एक साथ पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजी के रूप में काम आती हैं। इन्हें टनल बैटल स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। बता दें कि इजरायली सेना ने जब गाजा में 2.5 मील लंबी सुरंगें खोजी तो उनके अंदर अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां, पेंट की हुई सुंदर दीवारें, टाइल्स वाली फर्श, सीलिंग फैन और एसी समेत लग्जरी भूल भुलैया का पता लगा। बताया जा रहा है कि सुरंगों के इस नेटवर्क में 350 से 450 मील लंबी सुरंगें शामिल हो सकती हैं, जिसमें करीब 5700 अलग अलग शाफ्ट हो सकते हैं। $1 अरब की लागत में बना है ये नेटवर्क। 15 साल में सुरंग समेत बनाई गई कई जरूरी चीजें। सुरंगों में है वर्कशॉप और बेडरूम जैसी जगह। सुरंगों में बिछा है बिजली फोन लाइनों का जाल। सुरंगों में हर वक्त रहती है रोशनी की व्यवस्था। अंडरग्राउंड साम्राज्य में लगा है 6000 टन कंक्रीट। 1800 टन मेटल का किया गया है इस्तेमाल। इनमें जीपीएस सिस्टम और रोबोट भी लगे हुए। इन सुरंगों पर नाकाम हो जाते हैं मिसाइल के हमले। हमास ने जो सुरंगें बनाई हैं उनका इस्तेमाल ड्रग्स, हथियार तस्करी, अपहरण और आक्रमण या फिर बचाव के लिए किया जाता है। अंडरग्राउंड होने की वजह से इजरायली सेनाओं के हमले से बचा जा सकता है। अंधर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जा सकता है। दुश्मन को चकमा देने के साथ साथ सेनाओं का पता लगाने और हमले से बचने में इसका आसानी से इस्तेमाल होता है। हमास की सभी सुरंगें गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में बनाई गई हैं, जहां आम नागरिक और हिस्टोरिक जगहें हैं। हमास की स्ट्रेटजी भी इलाके पर कब्जा करने या फिर हमलावर को हराने की नहीं है। वो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल समय बचाने में करता है। इससे एक तो वो इजरायली सेनाओं की पकड़ से दूर रहता है और दूसरा वो इस दौरान इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने के लिए इंटरनेशनल दबाव बनाने में भी कामयाब हो जाता है। इस तरह की लड़ाई में समय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और यहीं पर इजरायल हमास से मात खा जाता है। हमास अपनी लड़ाई में ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा नागरिकों को नुकसान पहुंचे, ताकि इसे इजरायली अत्याचार बताकर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।